हेलो दोस्तों, योगेंद्र शर्मा फिर से आपके अपने चैनल फेयर इंग्लिश क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज ट्रांसलेशन की सीरीज़ में, यूजेस की सीरीज़ में, और जहां तक स्पीकिंग का भी सवाल है उसी सीरीज़ में आज हम जो यूज़ पढ़ने जा रहे हैं वो यूज़ है बिगिन टू और अबाउट टू का। बिगिन टू और अबाउट टू का प्रयोग देखिए डेली लाइफ में बहुत होता है। डेली लाइफ में अबाउट टू का प्रयोग, बिगिन टू का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है। इसका यूज़ हम बहुत ज़्यादा करते हैं जब हम बोलचाल की भाषा में आपस में बातचीत करते हैं, कन्वर्जेशन होता है तो। और ट्रांसलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तब भी इनका यूज़ ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले आज हम किसका यूज़ पढ़ेंगे, बिगिन टू का। बिगिन टू वास्तविकता क्या है कि ये पास्ट फॉर्म है, और पास्ट फॉर्म किसकी है, ये बिगिन टू की। किसकी है, बिगिन टू। पास्ट फॉर्म ये बिगिन टू की है। और जब हिंदी सेंटेंस होते हैं तो हिंदी सेंटेंस के अंत में इसमें लगा होता है, लिखा क्या होता है, लगा, लगी और लगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना होता है, ध्यान रखना इस बात को। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि यदि आपको वास्तव में ही सीखना है तो वीडियो को अंत तक देखो, लास्ट तक देखो, तभी कुछ पता चलेगा कि क्या स्पेशल है। तो इसके बारे में स्पेशल क्या है कि यदि लगा, लगी और लगे इससे पहले ने शब्द लगा हो, क्या, कौन सा शब्द लगा हो, ने शब्द। ने शब्द लगा होने पर हम बिगिन टू का यूज करते हैं। कैसे करते हैं, जैसे मैं एग्जाम्पल भी अभी आपको दूंगा। एग्जाम्पल क्या है, पहले इसका स्ट्रक्चर लिख देता हूं, सब्जेक्ट, उसके बाद में बिगिन टू, फिर जो मेन वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म और फिर अदर चीजें, ठीक है। तो उदाहरण क्या होगा इसका, एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे लड़का रोने लगा, लड़का रोने लगा तो क्या बनेगा, सब्जेक्ट द बॉय, उसके बाद में लगा दिया हमने बिगेन टू और फिर रोने की अंग्रेजी वीप, तो ये क्या हो गया, द बॉय बिगेन टू वीप, वेरी इजी यूज। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, वह पार्क में खेलने लगा तो क्या बनेगा, ही, सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद में बिगिन टू, फिर मेन वर्ब क्या, खेलना, प्ले, और पार्क में इन द पार्क, अदर वर्ड्स हो गई। अब इसमें एक बात और होती है, देखिए बिगिन टू के स्थान पर हम एक वर्ड का यूज और कर सकते हैं, और वो क्या होता है, इधर लिखता हूं कि पहले सब्जेक्ट लगाएंगे और वो वर्ड क्या है, स्टार्टेड, लेकिन उसके बाद में जो वर्ब होगी उसकी फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी लगाएंगे, तब अदर वर्ड्स होंगे, ठीक है। क्या होगा, कैसे होगा, एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे यही सेंटेंस है, लड़का रोने लगा, हाँ, तो इसी को यदि हम इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, द बॉय स्टार्टेड और रोने में आईएनजी लगा देंगे, क्या हो जाएगा, वीपिंग, ठीक है। और यदि इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ही स्टार्टेड प्लेइंग, ही स्टार्टेड प्लेइंग और इन द पार्क, तो बिगिन टू के स्थान पर स्टार्टेड का यूज हो सकता है, और यहां केवल फर्स्ट फॉर्म होगी तो यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में
ing लगा देंगे। तो ये तो रहा हमारा बिगिन टू का प्रयोग, और उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आया होगा। ठीक है, अबाउट टू का प्रयोग, अबाउट टू क्या का प्रयोग कैसे होता है? अबाउट टू बहुत ही आसान होता है। देखिए, जब किसी वाक्य में कोई भी वर्क है स्टार्ट होने वाला हो, जिसमें वाला, वाली या वाले लिखा हुआ हो, ध्यान रखने वाली बात है, हिंदी वाक्य में, हिंदी सेंटेंस में जिसमें वाला, वाली या वाले लिखा हुआ हो, तो वहां किसका यूज करते हैं? हम अबाउट टू का यूज करते हैं। और इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद में फिर बी की फॉर्म, बी की फॉर्म का मतलब इज, एम, आर, वाज और वर, इनका यूज करते हैं। फिर उसके बाद में टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन अदर वर्ड्स होते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या होगा, मैं सोने ही वाला हूं, मैं सोने ही वाला हूं, तो अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर क्या होगा, पहले सब्जेक्ट आई, उसके बाद में क्योंकि प्रेजेंट में हो गया तो एम, हाँ आई के साथ किसका यूज, मैंने बताया था ना कि जो एम जो ये केवल लव करता है, किससे करता है, आई से, बाकी किसी से नहीं करता, ये केवल इसी के लिए बना है, तो आई के साथ क्या आ जाएगा, एम। उसके बाद में फिर एक चीज हम यहां पर थोड़ी सी भूल गए कि इसमें टू से पहले हमें अबाउट और लिखना है, अबाउट टू, टू ना होकर के ये अबाउट टू है, हा? तो आई एम फिर क्या आएगा, अबाउट टू, अबाउट टू, और सोने की अंग्रेजी क्या होगी, स्लीप। हाँ, बहुत ही आसान तरीका है, पहले सब्जेक्ट लगाया, बी की फॉर्म, उसके बाद में अबाउट टू लिखा, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड्स होते हैं। और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे वह जाने ही वाली थी, वह जाने ही वाली थी, तो सी पास्ट हो गया, वॉज, और अबाउट टू और जाने की अंग्रेजी गो, ठीक है, वह जाने ही वाली थी। अब इसमें इंटरोगेटिव बना सकते हैं, नेगेटिव बना सकते हैं, तो वो चीज़ें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि ये बिगिन टू और अबाउट टू का प्रयोग आपकी समझ में अच्छे तरीके से आया होगा, और यदि आपको कोई सुझाव देने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और कुछ अन्य सामग्री पढ़नी है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। ओके।